अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसरी इसबाक का सिलसिला जारी और सारी है और हम पढ़ रहे थे, पहले हमने मिर्ज़ा गालिब मकतूबात गालिब पढ़े और मकतूबात इकबाल है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चूँकि इसमें पेपर में ना तो सियाक़ो इसबाक की तशरीह आती है और ना ही इसका खुलासा आता है, लेकिन हम हर ख़त का थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो देखते जाते हैं कि पहला ख़त जो है ये ख़त 12 अप्रैल 1922 को अलामा इकबाल ने लाहौर से तहरीर किया। मौलाना करामी का मुकम्मल नाम मौलाना गुलाम कादर करामी था। आप जलंधर से ताल्लुक़ रखते थे। ज़िंदगी का कुछ हिस्सा हैदराबाद में बस सिलसिला मुलाजमत क़याम किया। तशरीह तलब नसर पारे के बाद मकतूब निगार अलामा इकबाल ने मौलाना करामी को याद दहानी कराई है कि उन्हें लाहौर से अंजुमन हमायत इस्लाम और मियां रियाज़ुद्दीन साहब ने दावत दी थी। इकबाल की राय में उन्हें ये दावतें कबूल कर लेनी चाहिए। इकबाल मौलाना को अपने गंठिया के दर्द के मुतलक भी बताते लिखते हैं कि शिद्दत दर्द से वो खुद को रुफ्त नहीं समझते थे, लेकिन दिल को यह कहकर तसल्ली देते कि आखिर अंगूठे का ही दर्द है, अगरचे हरकत महाल मगर चांद को ख़तरा नहीं। दूसरा ख़त जो हमारे सामने मौजूद है उसका थोड़ा सा तारुफ करवाता चलूँ आपको कि इकबाल ने अकबर अलाबादी की दराजी उम्र के लिए दुआ की है इसमें, और इकबाल को तुर्सी के ज़्यादा इस्तेमाल से दांत में सख्त दर्द हो गया था। इकबाल ने इसके मुतालिक वजाहत की है। यह ख़त 14 दिसंबर 1918 को लाहौर से लिखा गया था। तशरीह तलब नसर पारे के बाद अलामा इकबाल इस नौजवान का तारुफ पेश करते हैं जो शिकवा जवाब शिकवा के असर नौ अशात के साथ मौलाना अकबर अलाबादी का दिबाचा शाया करना चाहता था। इकबाल ने मौलाना के नाम लिखा कि वो नौजवान आपका गायबाना मुरीद है, अगर किसी रोज़ आपकी तबीयत कदरे शगुफ्ता हो तो इसकी कातर चंद सतूर लिख डालें। इकबाल ने ख़त के आखिर में कलकत्ता के फसादात में मुसलमानों के जान नुकसान का जिक्र करते हैं। इसी सिलसिला में मुनक़द होने वाले जलसा में अपनी शिरकत के इरादा और फिर इल्तवा का जिक्र भी करते हैं। ये भी था मकतूबात इकबाल का मुख्तसर सा तारुफ जो हम पढ़ रहे थे। चूँकि ये पेपर में नहीं आता इसलिए हमने इसको डिटेल से नहीं पढ़ा, सिर्फ इसका तारुफ आपको बताया। खतूत का अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, शादो आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़ नासिर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।